खबर पंजाब से है, जहां केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहा है ताकि इन खेती कानूनों को रद्द किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार झुकती नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते 6 महीने पूरे होने पर किसानों के द्वारा पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जहाँ केंद्र सरकार का पुतला फूका, वहीं काले झंडे दिखा केंद्र के खिलाफ अपना रोष जताया है। मैं जसवंत सिंह, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी वाइस प्रधान पंजाब, और मैं इत्थे अज दा जिहड़ा काला दिन मनाया जा रहा, ये जो संयुक्त मोर्चे का फैसला सी भी अज 6 महीने पूरे हो गए आ किसानों का मोर्चा चलदियां नूं, और ये 6 महीने इहदी मोदी दे कांते जू नहीं सरकी, और ये अज काला दिन मना के इहनूं बीजेपी नूं दसना चाहुंदे आ भी जिन्ना चिर तक काले कानून वापस नहीं किए जाते उन्ना चिर तक अपना संघर्ष जिहड़ा वह इदा ही जारी रहणगे, जिन्ना चिर तक ये काले कानून वापस नहीं लेंदे ले जाते। अगे तो जो जो किसान जथेबंदियां दे फैसले आउणगे उत्ते आपां बिल्कुल बुलंद और हौसले बुलंद ने, आपां उन्ना चिर तक शांतमई नहीं बैठांगे जिन्ना चिर तक साडे काले कानून वापस नहीं होंदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं गुरदयाल सिंह सैनी, जिला भंडार, संयुक्त किसान मोर्चा, लोक भलाई वेलफेयर इंसाफ सोसाइटी पठानकोट। गल है भी अज का जिहड़ा काला दिवस मना रहे, काला दिवस क्यों मनाया जाता है, उहदे कारण हुंदे आ। जदों अडानिया अबानिया की अबदाली के बराबर की सरकार हो जाए, मस्से रंगड़ वर्गी हो जाए और बाबर वर्गी हो जाए, जिहड़ी किसी का जनता का ख्याल ही ना करे। अज 6 महीने हो गए आ, किसान जड़े आ दसंबर तो लैके मई तक जड़े उत्थे दिल्ली के बक बक वार्डर च जड़े किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए, MSP खत्म की गई, और कहिंदे सी जिथे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे वो नहीं, वो कितने की करनी सी, होर बंदूए बनाने वास्ते उन्होंने नवे कानून ठोक के कोरोना के दौरान पज पा के ते और लागू करते, तो जिहदे विच सरकार दे नाल सारियां गल्लां बातां वी होईयां, तुहानूं सारयां नूं पता 11 वार दे गेट की गल हुई जिहदे विच सरकार ही झूठी पई, ना कि किसान झूठे पए। किसानां ने कहा भी जे सारा कुछ गलत आ ते इहनूं रद्द करो, पर किसान अड़ियल ते जिहड़ा हुण मोदी की कहिंदा सीगा, कहिंदा एक टैलीफोन की दूरी आ, सानूं नहीं पता लगा 3-4 महीने होर बीत चले आ, वो जिहड़ी दूरी है कित्थों तक आ, जिहड़ा कि फोन नहीं वजदा, जिहड़ा फोन नहीं मिल सकदा। पर किसानां ने हुण फिर अपना वड्डी दिली दिखा के, पर एक मेहने के तौर के उत्ते, एक मेहने के तौर पर उन्होंने चिट्ठी लिखी आ भी तू कहिंदा सी बहुत दूरी हैगी आ, बहुत एक फोन की दूरी है, सिर्फ कॉल की दूरी आ, अहीं तैनूं फिर याद आने भाई तू की कहिंदा ते करदा की आ। मोदी ने तुहानूं पता 7-8 बार मगर मस वाले हंझू वहाए आ, कोरोना बारी भी और महामारी भी, ते कराया की थालियां खड़कवाइया, मोमबत्तियां बेटे मूँह तुहाडे थालियां खाली करवातियां, तुसी सारे देश दे विच महामारी फैला के अपनिया रैलियां अपनिया कुर्सियां देखिया, जनता बारे नहीं देखिया। सो अज दा काला दिवस जिहड़े किसान आ वो अपने काले कानून रद्द कराउण वास्ते ये काला दिवस, असीं घरां दे उत्ते झंडे लाए आ, अपनिया दुकानां ते झंडे लाए आ, खेतों के झंडे लाए आ, सारे साथ दसिया भी ये साडे वास्ते दिने भी नेरा ही नेरा, साडे वास्ते अगे काला नेरा ही नेरा, साडा बच्चों का कुछ नहीं, तुसीं ये देख लो 25 रुपए। देखो जिहड़ा ये किसानी अंदोलन है, हुण मैं नहीं समझता कि इकला किसानी अंदोलन रह गया, ये लड़ाई जिहड़ी है साडे सारे समुचे हिंदुस्तान के लोगों के, साड़ी होंद की साड़ी अणख की लड़ाई है जिहड़ी, साडे किसान भरा साडे लई वखो वख बार्डर ते बैठ के जिहड़ी उह लड़ रहे हैं। दूसरा, इस किसानी अंदोलन बड़ा शांतमई ढंग के नाल पिछले 6 महीने तो जिहड़ा किसान जथेबंदियों ने चलाया, उन्होंने मैं उन्होंने सजदा करदा, क्योंकि एडे वड्डे अंदोलन क्योंकि हुण अंदोलन ही रह गया, सत्याग्रह बन गया, जदों कोई मूवमेंट जिहड़ी आ वो दिनां चों महीनियां ते महीनियां दे विचों सालां वल तुर पैंदी आ, वो एक सत्याग्रह का रूप धारण कर लैंदी है। तुसीं देखो, मैं शरीरिक टकराव दे कदे हक च नहीं रहा,
पर उदे बावजूद जे नौबत इतों तक आदि ने जे आप अबोहर के एम एल ए की गल करिए जो उस समय के होया जरा बलबला सगा लोगों का गुस्सा उस गुस्से का सामना इन्हों करना पाया। ये शरीरक टकराव जड़े ने चाहे असी सारे लोग ये हक च नहीं पर यह जो शरीरक टकराव ने यह भी बदलगे हिंसा जी अपना रूप जो धारण कर लेगी। ये हजे भी समा सरकार नू अपने ही लोगों के लिए अपने देश के लोगों के लिए अपने बच्चों लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए जो काम करना यह कानून जोड़े ना मैं समझना इखलाकी तौर के उत्ते वापस लैके तो जो नवे जोड़े जो बनाने भी ना तो किसान जथेबंदियों शामिल करके जोड़े वो बन कानून जोड़े ना लोग हित बनाए जाए। अज किसान मजदूर अंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं जिते इस गौरवमयी इतिहास के मतलब संघर्ष के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं उत्थे अज के दिन ही 7 साल पहलों मोदी ने हलफ ली सी इस देश के अंदर वड्डे वड्डे वादे करके देश से लोगों का। सो असी अज तय करके तुरे हाँ भी जिहड़ा अंदोलन दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते पंजाब ते देश से किसान मजदूरों वालों चलाया जा रहा सब तो पहलों उस अंदोलन के अंदर अपनिया शहादतां दे चुके उन्हां 500 सूरवीर योधियां नूं सजदा करदे आ सलाम करदे आ ते जिहड़े संघर्ष की अंदोलन की अगवाई करदे आ उन्हां नूं भी साडा प्रणाम है। असीं इत्थे बैठे उन्हां नूं इह गल कहना चाहुंदे आ भी पंजाब का बच्चा बच्चा अपने उस गौरवमयी अंदोलन के नाल खड़ा है। सो अज टोल प्लाजा रसपालमा के उत्ते असी वड्डी गिणती जी लोग इकट्ठे हो के इत्थे बैठे हाँ काले झंडे घर के उत्ते चला के आए हैं अपने बेहकरां दे काले झंडे लाए हैं ये संकेत है देश के हाकमां नूं उन्हां दे इस अंदोलन के प्रति जिहड़ा हट धर्मी का रवैया है सरकार जल्दी तो जल्दी जिहड़ा आ 3 खेती कानून जिहड़े काले कानून है तो वापस लवे और जी MSP आ टोटल फसलों के उत्ते देश के किसानों दे। सो असी अज पुरजोर ढंग के नाल ये ऐलान करना चाहते हैं भी देश के अंदर हर खिते कारपोरेट घरानिया के सपुरद करन दी जिहड़ी मोदी की BJP की NDA की पॉलिसी है वह डट के विरोध होगा जिन्नी देर तक काले कानून वापस नहीं ले जाते ये अंदोलन पूरी तरह चढ़ती कला च रखने लिए असं अपनी जिंदगी का अपने दिन का पल पल आवेंगे ऐलान करना चाहते हैं।